गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेल्फ अक्षय शर्मा, वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नेम है मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे अर्थ के मोशंस के बारे में कि अर्थ कैसे कैसे मोशंस करती है। आपने पिछले चैप्टर में भी रीड किया होगा, तो इस चैप्टर में हमें अर्थ के मोशंस के बारे में बताया जाएगा कि अर्थ कैसे कैसे मूव करती है और उसका हम पर क्या इफेक्ट पड़ता है या अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे डे नाइट का चेंज होना, सीजन चेंज होना। देखते हैं ना, कभी समर, कभी विंटर, ऑटम सीजन, ये सब सीजन चेंज होते रहते हैं। तो ये किस रीज़न क्या है इनका? अर्थ का मोशन ही रीज़न है इनका। ठीक है, आइए तो मोशन ऑफ द अर्थ। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। हमारी अर्थ जो है कितने टाइप से मोशन करती है? टू टाइप से, नेमली फर्स्ट है रोटेशन, सेकंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है देखते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन में अर्थ जो है मूवमेंट करती है अपने एक्सिस पर, मतलब खुद जो घूमती रहती है, देखते हैं ना। सेकेंड है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और सेकंड मूवमेंट कौन सा है अर्थ का? सन के अराउंड, सन के चारों ओर घूमना, उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट हो गया रोटेशन जो खुद अपने एक्सिस पर घूम रही है, सेकंड है रिवोल्यूशन जो सन के अराउंड घूम रही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन। एक्सिस क्या है? एक इमेजनरी लाइन है। रियल में तो कोई एक्सिस है नहीं अर्थ का, जैसे ये दे रखी है, ये क्या है? इमेजनरी लाइन है। हमने अपनी एक तरह से समझने के लिए ये ड्रॉ कर रखी है। मेक एन एंगल 66.5 विद इट्स ऑर्बिट प्लेन। ये लाइन जो है एक एंगल बनाती है ऑर्बिट प्लेन से। ऑर्बिट प्लेन कौन सा है? ये वाला, लिखा है ना, द प्लेन ऑफ द अर्थ इज ऑर्बिट। अर्थ का ऑर्बिट है ये, और ये एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। इतनी हमारी अर्थ जो है इंक्लिनेशन है, मतलब झुकी हुई है। आप देख रहे हैं ना इमेज में, अगर सीधी होती तो कैसा होता? यहाँ पे, यहाँ ये इमेजनरी लाइन कहाँ होती? यहाँ पर होती। लेकिन हमारी अर्थ जो है ये इतनी झुकी हुई है। ठीक, तो ये कितने डिग्री झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिट प्लेन। इसे हम क्या कहते हैं ऑर्बिट को? ऑर्बिट प्लेन्स कहते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट्स फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ जो लाइट रिसीव करती है कहाँ से करती है? सन से। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ कैसी शेप है? अर्थ की स्पेरिकल शेप। ठीक है, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। जो सन हमारी अर्थ पे लाइट आती है सन की, वो कितने पोर्शन में आती है एक टाइम में? हाफ पोर्शन पे आती है। ठीक है, ये देखिए पिक्चर, मान लीजिए सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। अर्थ की लाइट आई यहाँ से, तो कितने पोर्शन पे आ रही है? हाफ पोर्शन पे आ रही है। बैक वाले पोर्शन पे लाइट नहीं आ पा रही है ना, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ डे है और बैक साइड में नाइट है। ठीक, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। ये कह रहा है जो पोर्शन अर्थ का सन की साइड है उस पे तो डे रहता है, और जो बैक साइड वाला है अदर पोर्शन उस पे क्या रहता है? नाइट रहती है, क्योंकि वहाँ सन की लाइट नहीं जा पा रही। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये कह रहे हैं जो लाइन अर्थ पर, जो लाइन अर्थ को डिवाइड करती है डे और नाइट में, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे ये रही लाइन, ठीक, ये लिखा है ना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आइए नेक्स्ट। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2। ये कह रहा है इसे हम 3.2 इमेज, ये रही, इस पर देख सकते हैं ना, ये सेंटर में जो ड्रॉ हो रखी है लाइन। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ जो है एक अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेती है 24 आवर्स में अपने एक्सिस पर। ठीक, द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नो एज द अर्थ डे। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ डे, मतलब अर्थ का एक दिन हो जाता है वो। 24 आवर्स उसने रोटेशन कंप्लीट किया, वो क्या हो गया? वन डे हो गया है ना, अर्थ का एक दिन हो गया।
दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ऐसे ही अर्थ जो है डेली मोशन करती रहती है, घूमती रहती है ना। डे नाइट, फिर डे नाइट, डे नाइट, ऐसे ही मूव करती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अब ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि अर्थ अगर रोटेट नहीं होती तो क्या होगा। देखिए, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। ये कह रहा है कि जो फेस अर्थ का सन की तरफ है उसमें क्या रहेगा, हमेशा डे रहेगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन। और वो कंटिन्यूस कैसा हो जाएगा, फिर वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब सन के अराउंड रहेगी कोई चीज़ कंटिन्यू तो वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। और जो अदर पोर्शन है उसमें क्या हो जाएगा, डार्कनेस मतलब नाइट हो जाएगी, अंधेरा रहेगा। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम्स। और वो कैसा रहेगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सन की रेज नहीं जा पा रही है वहाँ। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। इस कंडीशन में अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, है ना। अगर अर्थ रोटेट ना हो तो लाइफ भी नहीं होगी। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। सेकेंड जो मोशन है अर्थ का उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, है ना। इट्स टेक 365 वन अपॉन 4 डेज। ये वन अपॉन 4 डेज को हम 6 आवर्स में काउंट करते हैं, ठीक है, 6 आवर्स में। मतलब हमारी जो अर्थ का रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है वो कितने दिन में होता है, 365 डेज और 6 आवर्स, ठीक। टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमती है हमारी अर्थ 365 डेज में और 6 आवर्स में। वी कंसाइडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग 365 डे ओनली। और हम क्या कहते हैं, हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि अर्थ जो है अपना रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है, 365 डेज में। एंड इग्नोर 6 आवर्स, हम 6 आवर्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं द सेक ऑफ कन्वेंस, बोलते नहीं है। अगर हमसे कोई पूछता है तो हम 365 डेज ही बताते हैं उनसे, है ना। आइए नीचे देखते हैं, 6 आवर्स सेव एवरी ईयर। ये जो 6 आवर्स हैं ये हर साल काउंट होते रहते हैं, है ना। आर एडेड टू मेक 1 डे। और ये 1 डे कब बनाएंगे, हमारा 1 डे कितने का होता है, 24 आवर्स का। 6 आवर्स जो है पर ईयर काउंट होते रहते हैं, तो 4 ईयर तक ये काउंट होंगे जब इनका 1 डे बनेगा, है ना। दिस सरप्लस डेज एडेड टू मंथ ऑफ द फरवरी। आप देखते हैं ना कि हर 4 ईयर्स के बाद फरवरी कितने डेज की हो जाती है, 29 की। उसका रीजन यही है ना, कि 6 आवर्स ऐड होते रहते हैं और वो 4 ईयर जब आता है, 4th ईयर, तब उनका एक 1 डे हो जाता है, एक्स्ट्रा बन जाता है वो, तो उसे हम फरवरी में काउंट कर लेते हैं। दस एवरी 4th ईयर, हर 4 साल बाद फरवरी, फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेंट ऑफ 28 डेज। हर 4 साल बाद क्या होता है, 28 की जगह 29 डेज की हो जाती है फरवरी, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि हमारी अर्थ जो है 365 डेज और 6 आवर्स में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। सच एज ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। उस ईयर क्या होता है, 365 की जगह 366 डेज हो जाते हैं और उसे हम कहते हैं लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी। अब ये कह रहा है आप मतलब काउंट करिए कि नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, है ना, फाइंड करिए। फ्रॉम द फिगर 3.3, ये ऊपर एक फिगर दे रखी है 3.3, इसमें क्या दिया रखा है, अर्थ रिवोल्यूशन कर रही है, रिवॉल्व हो रही है सन के अराउंड, है ना। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, सीजन चेंज होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अभी। इट इज ए क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट किसे कहते हैं, इस शेप को कहते हैं, है ना। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, आपने नोटिस किया होगा, द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अर्थ जो है रोटेट तो, रिवॉल्व तो हो रही है, लेकिन कैसी कंडीशन में, इंक्लाइंड मतलब झुकी हुई वो रिवॉल्व हो रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके सीधी हो जाती हो, आप देख रहे हैं ये एंगल बनना है सब जगह, मतलब वो झुकी हुई घूमती जा रही है सन के अराउंड चारों ओर, ठीक। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ पर, रिवॉल्व होने से अर्थ पर सीजन चेंज होते रहते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ठीक है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड घूमने से ही क्या होता है, अर्थ पर
चेंजेस आता है सीजन में, है ना। आप देखते हैं ना सीजन चेंज होते रहते हैं, उसका रीजन क्या है, अर्थ का रिवॉल्व होना। आइए चलिए आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक।